रेखा माधुरी नहीं, ये थी अपने जमाने की लेडी सुपरस्टार। हीरो से ज्यादा लेती थी फीस, कभी खुद नहीं देखी अपनी फिल्में। तो आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में। बॉलीवुड में आज भी एक्ट्रेस की फीस हीरो से काफी कम होती है। हालांकि अब धीरे धीरे ये परंपरा बदल रही है। 80-90 के दशक में ये काफी आम हुआ करता था, तब हीरोइन को हीरो से कम फीस मिलती थी। लेकिन एक एक्ट्रेस ऐसी भी थी जिनकी फीस हीरो से कई गुना ज्यादा होती थी। उनका ऐसा स्टारडम हुआ करता था कि एक बार तो उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने तक से मना कर दिया था। हम बात कर रहे हैं 4 साल की उम्र से एक्टिंग में कदम रखने और 50 साल तक इंडस्ट्री पर राज करने वाली हर दिल की पसंद श्रीदेवी जी की। अपने दौर में वो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हुआ करती थी। कितनी थी श्रीदेवी की फीस, आइए जानते हैं। श्रीदेवी बॉलीवुड की पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जो 1 करोड़ रुपए फीस लेती थी। ये वो दौर हुआ करता था जब गिने चुने एक्ट्रेस को ही करोड़ों फीस ऑफर की जाती थी। उन्होंने फिल्म 16 सावन से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। श्रीदेवी की फिल्में बॉक्स ऑफिस हिला दिया करती थी, टिकट की महामारी मच जाती थी, अमिताभ बच्चन तक को ठुकरा दिया। आइए जानते हैं। 1992 में रिलीज फिल्म खुदा गवाह के लिए श्रीदेवी को मेकर्स ने अप्रोच किया था, लेकिन इससे पहले कई बड़े नामों के साथ बयान दे चुकी थी कि अमिताभ की फिल्में में हीरोइन सिर्फ एक्स्ट्रा से ज्यादा कुछ नहीं होती। इसलिए पहले तो उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन जब बाद में स्क्रिप्ट पड़ी और तुरंत हामी भर दी। श्रीदेवी ने एक्टिंग कैरियर में करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। हिंदी ही नहीं, उन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी किरदार निभाए। उनका स्टारडम ऐसा था कि एक बार सलमान खान भी उनके साथ काम करते समय नर्वस हो गए थे। अपनी फिल्में नहीं देखती थी श्रीदेवी जी। श्रीदेवी रिलीज के बाद कभी भी अपनी फिल्में नहीं देखा करती थी। उनका खुलासा उनकी बेटी जाह्नवी कपूर ने एक मीडिया कार्यक्रम में किया था। श्रीदेवी को याद करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी माँ कभी अपनी फिल्में नहीं देखती थी। तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।